भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का संतों पर विवादित बयान सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा बोले, धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें खुल गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा ने बड़ी दुकान खोली है। अपने विवादित बयान के लिए हालांकि माफी भी मांग ली है और कहा, मैं अपने शब्दों को सही तरीके से संयोजन नहीं कर पाया, उनके प्रति माफी चाहता हूं। ये माफी सज्जन सिंह वर्मा ने मांगी है। कहा, दुकान वाले बयान के बाद संत श्री ने सोनकच्छ में कथा करने से इनकार किया था। संत श्री के कथा करने से मना करने के बाद बड़ा बवाल था। तो पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का संतों पर विवादित बयान भी सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा बोले, धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें खुल गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा ने बड़ी दुकानें खोली हैं। हालांकि उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैं अपने शब्दों को सही तरीके से संयोजन नहीं कर पाया। और आगे कहा कि मैं उनके प्रति माफी चाहता हूं। तो ये बड़ा बयान और विवादित बयान जो है पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की ओर से दिया गया है। धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा बड़ी दुकान खोल ली। इनके प्रति आघात श्रद्धा जताते हुए मैं संत रामकृष्ण उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वाणी से, अपने मुखारविंद से, श्री राम कथा के माध्यम से, श्री भागवत गीता के माध्यम से, श्री महाशिव पुराण के माध्यम से धर्म की गंगा अविरल निर्बाध गति से बहाते रहें, ताकि उस धर्म गंगा का लाभ भी हम सारे लोग ले सकें।